निकल चुका हूँ देहरादून के सबसे प्रसिद्ध झंडा मेले में और आज आप लोग को वहीं की वीडियो दिखाई देगी। गाइस ये मच्छी बाज़ार है, बहुत फेमस है देहरादून का, और इसी मच्छी बाज़ार से होते हुए मैं जाऊँगा झंडे साहिब मेले में। सो गाइस ये मोहल्ले की छोटी छोटी गलियाँ हैं जो झंडा साहिब के लिए शॉर्टकट में जाती है, तो मैं इस वक्त मच्छी बाज़ार को छोड़ दिया है तो शॉर्टकट से होके जा रहा हूँ। ये पूरा मन्नूगंज इस कॉलोनी को कहा जाता है देहरादून में, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, एक आधा किलोमीटर दूर पड़ता है झंडा साहिब जी मच्छी बाज़ार से, तो पैदल ही जा रहा हूँ मैं इस वक्त। पैदल जाने में फ़ायदा है क्योंकि गाइस पिछली बार मैं साइकिल लेके गया था टपकेसर मंदिर में, तो मेरी साइकिल उस वक्त वहाँ पर खो चुकी थी, तो फिर मैंने नई साइकिल ली। अब गाइस वहाँ पर साइकिल खड़ी करने की और गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, तो अगर हो सके तो आप लोग पैदल जाए अगर नज़दीक के हो तो, अगर दूर के हो तो सबसे पहले गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ढूंढे कहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है, या वहाँ पर कुछ पार्किंग की सुविधा है तो आप लोग पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं वहाँ पर। इसलिए मैं भी पैदल जा रहा हूँ इस वक्त झंडे मेले में। गाइस मेले का पहला दिन है और काफ़ी भीड़ होगी इस वक्त मेले में, तो इसलिए मैं थोड़ा शाम के वक्त जा रहा हूँ अभी। सो गाइस काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ मैं झंडे मेले के, यहाँ पर पहले से ही पुलिस वाले खड़े कर दिए ताकि अंदर कोई गाड़ी लेके ना जाए, और बहुत अच्छा काम है कि बैरिंग लगा दे यहाँ पर कि ताकि गाड़ी अंदर लेके ना जाए, क्योंकि पहला दिन है मेले का और काफ़ी भीड़ रहेगी आज के दिन। तो देख सकते हैं पूरा झंडा बाज़ार मार्केट पड़ती है और झंडा साहिब जी के नाम से इस मार्केट को जाना जाता है देहरादून में। आज संगतें मौजूद है और कल 10 बजे नगर परिक्रमा निकलेगी, उसके बाद सारी संगतें चली जाएगी। यहाँ से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस झंडा साहिब में। झंडा साहिब मेले से एक फ़ायदा तो होता है, यहाँ के जो मार्केट है उनकी काफ़ी बिक्री हो जाती है, और जैसे कि प्रसाद और खिलौने की चीज़ें मिल जाती है, तो काफ़ी फ़ायदा होता है झंडे का मेले लगने से यहाँ पर। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ झंडे मेले में, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये झंडा साहिब जी है, 30 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास से झंडा साहिब जी चढ़ा था यहाँ पर, और 334 साल इसको हो चुके हैं झंडा साहिब जी को। होली के हर साल 6 दिन बाद ये झंडा साहिब जी चढ़ते हैं यहाँ पर, और काफ़ी दूर दूर से संगतें आती है गुलाब चढ़ाने के लिए। और अभी मैं आप लोगों को मेले के अंदर की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी दुकानें हैं मेले की, और आज मेले का फर्स्ट दिन है, लोग काफ़ी भीड़ संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत है मेले की, और ये मेला हर साल 3 हफ्ते के लिए लगता है, एक महीना मान लो, पूरा एक महीने के लिए मेला लगता है यहाँ पर, और देहरादून के भी और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं इस मेले में ख़रीदारी करने के लिए। ये टैटू की दुकान है, यहाँ पर टैटू बनवा सकते हैं आप, और छल्ले पे भी नाम लिखवा सकते हैं, ये देख सकते हैं छल्ले के ऊपर भी नाम लिखवा सकते हैं आप, लकड़ी के या जैसे प्लास्टिक के किस तरीके पर भी आप यहाँ नाम लिखवा सकते हैं इसका। ये इधर चूड़ी की स्टॉल लगा है इधर यहाँ पर चूड़ी का, ये इधर देख सकते हैं मालाए का स्टॉल है, घड़ी का स्टॉल लगा रखा है इधर, घड़ी और चश्मे कैप भी है ऊपर, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हर माल 10 रुपये है, ये जैसे लॉकेट है, चाबी के छल्ले हैं यहाँ पर, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर, बिंदी है और भी कई अन्य चीज़ें यहाँ। ये इधर छोटे छोटे डमरू लगे हैं, इधर ये बड़े वाले डमरू लगे हैं, और जैसे बांसुरी बैग आप यहाँ से ले सकते हैं। ये फ्लावर पॉट का स्टॉल है यहाँ पर, प्लास्टिक के सारे, घर में सजावट के लिए ले सकते हैं आप लोग। और ये देख सकते हैं और भी अच्छी चीज़ इस वक्त आ चुकी है इस झंडा बाज़ार में, पूरी टेडी बियर की स्टॉल है इधर, और ये फ्लावर पॉट का भी जो मैंने दिखाया था आप लोग को, ये मूर्ति है इधर, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं इस वक्त यहाँ पर। और मेले का पहला दिन है अभी, इसलिए का ज़्यादा भीड़ है, और संडे का दिन है ऊपर से,
ये घर के लिए प्लेटें ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, प्लेटें, चम्मच, ग्लास, कप, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें लगी है। और ये लड़कियों के जैसे हेयर बैंड होते हैं यहाँ पर, और क्लिप, तितलियाँ इसमें यहाँ पर देखो कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ है। और काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा है यहाँ पर। और ये प्लास्टिक के बैग भी है यहाँ पर, इसमें ये कप का स्टॉल लगा है इधर। यहाँ से आप लोग चाय के लिए, घर में मेहमान आते हो तो उनके लिए चाय देनी पड़ती है, तो यहाँ से कप भी ले सकते हैं आप घर के लिए। ये चूड़ियों का स्टॉल है इधर, ये महिलाओं से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक का स्टॉल लगा है इधर। और ये ऊपर देख सकते हैं छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, और ऐसे बच्चों के लिए छोटी छोटी फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और ये पर्स है लेडीज़ पर्स, इसका भी स्टॉल यहाँ पर लगा है, ले सारी लेडीज़ पर्स है। इधर भी लगे आइए लेडीज़ कॉस्मेटिक की बच्चों की दुकान, बच्चे के खिलौने की दुकान स्टॉल लगा है इधर, ये देख सकते हैं पूरी दुकान लेडीज़ कॉस्मेटिक की है, जैसे पर्स और चूड़ियाँ और कंगन हो गया, बालियाँ हो गई है, झुमके देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पर लगे हैं। ये नेकलेस है सारे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इधर भी नेकलेस देख सकते हैं, हर माल 15 रुपये यहाँ पर, स्टिकर की दुकान है ये, स्टिकर भी लगे हैं। और जैसे मसाले रखने के लिए डब्बियाँ हैं यहाँ पर, और चाय छन्नी है, और भी कई चीज़ें। ये छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए गुड़ियाँ हैं काफ़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर, और पूरा स्टॉल ये बच्चों का ही लगा है यहाँ पर, जैसे बाइक है छोटी छोटी और गुड़ियाँ हैं, ABCD का ये चार्ट है इधर, ये देख सकते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए स्टॉल लगा है इधर, ये जैसे बैट बल्ला, चिड़ी, बैट बॉल, फुटबॉल है, और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर स्टॉल लगा है। स्पेशल केसर पिस्ता देख सकते हैं इधर, ये चश्मे की दुकान लगी है, फैशन डिजाइनिंग चश्मे, इधर भी चश्मे की दुकान है। ये हाजमे की गोली का स्टॉल लगा है, और ये सभी कांच के ग्लास है चाय पीने के लिए। छल्ले की दुकान है, जैसे कि गाड़ी का छल्ला और घर की चाबी के लिए छल्ला चाहिए होता तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ से। इधर 100 रुपये रेट और 150 रुपये है हर माल, ये देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छे अच्छे पर्स है, लेडीज़ पर्स और मालाएं है। ये देख सकते हैं ऊपर, जैसे घर में आलू प्याज रखने के लिए टोकरियाँ आती हैं, इधर देख सकते हैं इधर हर माल 80 रुपये है, और काफ़ी प्यार प्यार है बच्चों के इधर ही। मैं देख लेता हूँ ज़रा क्या क्या है यहाँ पर, ये देख सकते हैं हर माल 80 रुपये मिलेगा। ये घर के दरवाजे पर लटकाने के लिए, ये इधर पूरे घर के बर्तनों का स्टॉल लगा है इधर यहाँ पर, इधर भी है, इधर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ा सा मेले का नज़ारा। अंदर साइड में भी थोड़ा सा ये मेला लगता है इधर, इधर बच्चों के लिए झूले झाले लगते हैं यहाँ पर, ज़्यादा बड़े बड़े झूले नहीं लगते, छोटे छोटे झूले हैं ये, देख सकते हैं ये बच्चों के लिए झूले लगे हैं यहाँ पर। ये मेला हमेशा इस साइड में लगता है, और ज़्यादातर इधर घर से रिलेटेड सामान मिलता है, जैसे सजावट का बर्तन हो गए, और भी अन्य चीज़ें मिल जाती है इधर, देख सकते हैं इधर ये कप का स्टॉल लगा है इधर, ये प्लेटें है इधर, प्लेटों का स्टॉल लगा है। ये छोटी बाल्टी देख सकते हैं आप लोग, कितनी छोटी बाल्टी है ये, जैसे घी के लिए और गंगा जल के लिए आप तो इसको खरीद सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं इधर भी, इधर भी ये बर्तनों का स्टॉल लगा है इधर यहाँ पर। ये इधर पायदान का स्टॉल लगा है इधर, ये देख सकते हैं जैसे घर में पायदान बिछाने के लिए, बेड के
बगल में, और जैसे दरवाजे के बाहर पायदान बिछाने के लिए, देखते इधर ये पूरा पायदान का स्टॉल है। अब मैं आप लोग को बड़े हिंडोले दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हिंडोले हैं। पिछली बार एक ही था, इस बार दो दो हिंडोले हैं बड़े वाले। सो गाइस ये देख सकते हैं बड़े बड़े हिंडोले, और इस बार यहाँ पर दो हिंडोले आ गए बड़े बड़े, पिछली बार एक ही था। देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस वक्त यहाँ पर। इधर भी दिखाया था मैं आपको, मैं देख सकते हैं इधर भी ये कार वाला हंडोला है, और उधर ये नाव वाला है सामने, और ये बड़े वाला है। इस बार इस मेले में दो बड़े हिंडोले आ चुके हैं, ये भी नाव वाला हिंडोला है। ये इधर है एक डायनासोर वाला हिंडोला भी दिखाते हैं आपको। ये डायनासोर वाला है इधर ही। ये डायनासोर वाला इंडोला है इधर।